हेलो 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 अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा गुड मॉर्निंग एवरीबडी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों चलिए सो बिफोर स्टार्ट थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं चलिए चलिए बच्चों, सो वेलकम बच्चों, वेलकम वेलकम टू आर आरबी एल पी डीजल मैकेनिक सिलेबस डिस्कशन देखिए ये क्लास बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर्स लेक्चर्स पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप इस क्लास को प्रॉपर सब लोग अटेंड करें क्यों क्योंकि इससे आपको पहले जानने में मिलेगा कि क्या क्या एरिया हैं जो सिलेबस में मुझे कवर करने होंगे और कौन कौन से एरिया हैं जिनको मुझे अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो पूरा सिलेबस करे बिगैर भी मैं अपने आप पेपर को क्वालिफाई कर सकता हूं और वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है है ना मतलब आप पढ़ते चाहे इसे डिटेल में रहे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है पहले ये है कि अपने वो जो तीस मार्क्स हैं ठीक है ना छब्बीस तो मैं गिनता ही नहीं तीस बोल के चलता अच्छा, हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि तीस से तो कम से कम ऊपर ही चलना है सेफ वही है तो सबसे पहले यही है कि कैसे भी करके वो तीस मार्क्स जो हैं वो मुझे अपने जो है वो सेव करने चाहिए ठीक है ना क्लियर है सबको ये बात चलिए तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए जो है एक सिलेबस डिस्कशन यहां पे मैं करने जा रहा हूं जिससे आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक्स पे हमें काम करना है और मैं ये भी बता दूंगा साथ साथ आपको ठीक है कि हीट इंजन के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे चलिए वो मैं शायद अगले वीडियो में भी डिस्कस क्योंकि हीट इंजन वाले नहीं तो इस वाले वीडियो को वैसे देखेंगे नहीं लेकिन उनके जानना जरूरी है उनके लिए भी कि अगर डीजल मैकेनिक से हम लोग पहले स्टार्ट जब करेंगे तो ट्रेड की तैयारी पहले कॉमन सब्जेक्ट से करेंगे जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो ठीक है ना ठीक है नचिकेर बेचा जो भी यूट्यूब पर सेशन होंगे वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर रहेंगे ठीक है उत्कर्ष बेटा कन्वेक्शन पे मेरा कोई इस अलग लेक्चर सीरीज नहीं है कन्वेक्शन पे लेक्चर सीरीज जो है वो सर की ही अवेलेबल है मेरी नहीं है नहीं तो वो कंटेंट आपको मिल जाता मेरा सिर्फ कंडक्शन और रेडिएशन पे ही सेशनस है ठीक है चलिए अब बाकी के क्वेश्चन के मैं जवाब बाद में दूंगा सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे कोर्स डिस्कशन सिलेबस डिस्कशन पे देखिए अब ये सिलेबस सुनने में आपको हो सकता है आसान लगे लेकिन आसान नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले बतायाता हूं देखिए जब आप डीजल मैकेनिक की बात करेंगे जब आप डीजल मैकेनिक की बात करेंगे तो याद रखिए यहां पे जो सिलेबस कवर्ड होता है वो क्या है वो देखिए तो याद रखिए सबसे पहले जो बेसिक सिलेबस में कवर्ड होता है वो है आपका हैंड एंड पावर टूल्स ये आ जाता है बच्चों कॉमन जो सभी ट्रेड्स वाले पढ़ते हैं हैंड एंड पावर टूल्स जिसमें मार्किंग टूल्स ये बेसिक टूल्स जो है हमारे वो सभी आते हैं ठीक है ना मेजरिंग टूल्स बेसिक टूल्स मार्किंग टूल्स ये सभी जो है हमारे इसके अंदर आते हैं ठीक है ना तो दैट इज कॉल्ड हैंड एंड पावर टूल्स दूसरा दूसरा हमारा कहलाता है सिस्टम्स सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्लियर है ठीक है तीसरा हमारा कहलाता है फास्टनर्स ये चैप्टर्स है बच्चों अपने आप में टॉपिक नहीं है याद रखिएगा दीज आर दी चैप्टर्स ये चैप्टर्स है अपने आप में मैं वाइज नहीं कर रहा हूं वाइज आप जैसे मर्जी पढ़ लें एक दूसरे से कोई खास कनेक्शन नहीं है चैप्टर्स का ठीक है ना तो वाइज आप जैसे मर्जी पढ़ लें लेकिन ये आपको पढ़ने पड़ेंगे देखिए फास्टनर्स एक चैप्टर आपके उसमें आता है दैट इज कॉल्ड कटिंग टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट कटिंग टूल्स कटिंग टूल्स से रिलेटेड कुछ इसी के अंदर चैप्टर आते हैं बच्चों जिसमें हम लेते हैं तो आप उनको भी अलग से कर सकते हो तो चाहे कटिंग टूल्स बोलो या कुछ टॉपिक्स बोलो आप जैसे कि हैंड रीमर्स हैंड रीमर्स हैंड रीमर्स आता है एक टॉपिक एक ड्रिलिंग मशीन आता है इसके अंदर टॉपिक ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन ठीक है एक टैप्स एंड डाइज आता है टैप्स एंड डाइज अब देखिए ये सारे रिलेटेड टू कटिंग टूल ही कहीं ना कहीं रहते हैं इसलिए मैंने इसके साथ लिखे हैं, वैसे अपने आप में ये भी एक टॉपिक्स प्रॉपर चैप्टर जैसे हैं ठीक है वो भी बता दूंगा बच्चों हीट इंजन के लिए भी बता दूंगा मैं टेंशन ना लें ठीक उसके अलावा बच्चों आपके पास आता है चैप्टर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमैटिक्स हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमैटिक्स हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स ठीक है अब देखिए इसके बाद एक चैप्टर और लिखे हम लोग कॉल्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल अब ये बेसिक इलेक्ट्रिकल छोटी मोटी चीजें होती हैं जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको हल्की फुल्की पता होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस किसी भी इंजन में होते हैं तो उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस क्या होते हैं या बेसिक का आ, वो क्या होता है पर्पज पर जैसे कि मीन्स आपसे कोई लॉ पूछ लेगा ओम्स लॉ पूछ लेगा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस पूछ लेगा कैपेसिटेंस पूछ लेगा ठीक है ना किसी चीज का फंक्शन पूछ देगा कनेक्शन का पूछ देगा बैटरी फंक्शन पूछ देगा बैटरी कैसे कनेक्शेड होती है तो उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है वो छोटी मोटी यहाँ पे पूछी जाती है अब ये समझ लीजिए ये जितना भी पोर्शन है ना ये इंजन से रिलेटेड है लेकिन ये अदर पोर्शन में आता है मतलब इतना पोर्शन जो है ये टोटल टोटल आपका जो है वो अदर में आ जाता है मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से बोले तो लगभग लगभग सभी ट्रेड में थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें पढ़नी होती है बस फर्क इतना आ जाता है कि हाँ फर्क इतना आ जाता है कि जब आप डीजल मैकेनिक के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंजन के हिसाब से पढ़ोगे ठीक है ना और जब आप किसी अदर ट्रेड फिटर वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तब भी कुछ चैप्टर तो कॉमन रहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा समझ आ रही बात ना अब इंजन का बेसिक कहा क्योंकि अभी तक आपने देखा जितना ही मैंने लिखा है उसमें इंजन का कोई जिक्र नहीं है तो अगर मैं इंजन की बात करूं डीजल मैकेनिक की बात करूं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए अब यहां से आ जाता है डीजल मैकेनिक का इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड सबसे पहला चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू इंजन इंट्रोडक्शन टू इंजन ठीक है तीसरा आ जाता है चैप्टर डीजल इंजन कंपोनेंट्स अब ये कंपोनेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों इसके अंदर सब कुछ आएगा इसके अंदर आपका सिलेंडर है टॉप पिस्टन कनेक्टिंग रॉड वॉल्व आपका इसके अंदर आपका जो है वो छोटे मोटे बियरिंग्स ठीक है इसके अंदर आपके जो है वो ये समझ लीजिए जो वाला पोर्शन हो जाता है ना कि हमें कहीं पर भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि आपका जो है क्लचेस कैसे काम करते हैं ब्रेक्स कैसे काम करते हैं वो सब इस कंपोनेंट्स के अंदर ही आ जाएंगे ठीक है ना क्ल, क्ल, क्लचेस में लाइनिंग फ्रिक्शन लाइनिंग कैसी होती है ब्रेक लाइनिंग कैसी होती है वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर आ जाएगा तो डीजल इंजन कंपोनेंट जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर है ठीक है ना इट कवर्स All basic components cylinder, head, piston, connecting rod, crank, valve, clutches. क्लचेस पे क्वेश्चन याद है आई आते ही आते हैं ब्रेक्स वो कहीं ना कहीं सब कुछ जो है कंपोनेंट यहां पे कवर होता है ठीक है ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है जिससे बहुत मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं तीसरा जो है बच्चों यहां पर इंजन रिलेटेड जो हमारे पास रहता है वो है आपका इंजन कूलिंग सिस्टम इंजन कूलिंग सिस्टम सेम ऐसा ही अगला चैप्टर आता है बच्चों इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक इसी तरह से एक और आता है बच्चों आपका दैट इज कॉल्ड फ्यूल थोड़ा सा फ्यूल के बारे में इंजन फ्यूल के बारे में और लास्ट चैप्टर इसके अंदर आता है आपका एमिशन कंट्रोल जो भी एटमोस्फेयरिक में गैसेस जो है वो बाहर निकल रही हैं एटमोसफेयर में जो गैसेस बाहर निकल रही हैं पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है कार्बन मोनॉक्साइड निकल रही है किस तरह की गैसेस क्या पॉल्यूशन ठीक है ना ब्राइटनेस बच्चों यहाँ पे मेरे हाथ में नहीं है मैं कम कर देता है इसमें कुछ है नहीं इससे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए जितना था ये कंट्रोल हो रखा है ऑलरेडी ये देखो ब्राइटनेस जीरो है ब्राइटनेस बढ़ाऊँ ये ब्राइटनेस बढ़ गई ये जीरो है ठीक है तो यहाँ तो जीरो है कैमरे से थोड़ी कंट्रोल की जा सकती है पर वहाँ भी छेड़ते हैं तो हिल जाता है मामला यहाँ भी अच्छा दिख रहा है बस वो मेरे को लग रहा है यहाँ से भी बढ़िया दिख रहा है यहाँ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है वो थोड़ा सा बस मेरे को लग रहा है YouTube सेटिंग जो मतलब सिस्टम की स्ट्रीम सेटिंग है उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है क्लियर है बच्चों समझ में आ रही है बात अगर आपको नहीं दिख रहा है उतना अच्छा तो मैं आपको चेंज कर देता हूँ लीजिए थोड़ा और शायद आपको बेटर दिखाई दे थोड़ा डार्क कर दिया मैंने बैकग्राउंड जिससे ब्राइट थोड़ा सा कम आपको नजर आएगा आएगाटिकल पार्ट होता है बेटा मेजरली नचीकेत एग्जाम में मेजरली आपको जो तैयार करना है थ्योरिटिकल पार्ट तैयार करना है नो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पार्ट में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन जो है इसको मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा हल्का फुल्का न्यूमेरिकल जो है वो हल्का फुल्का परफॉर्मेंस ऑफ इंजन पे कर सकते हैं आप ठीक है ना बाकी कुछ नहीं परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग इस पे हल्का सा न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर सकते हैं बाकी आपको ना यहां साइकिल्स सा है ना कुछ है आपको न्यूमेरिकल में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं कर लूंगा बच्चा आर एसी का सिलेबस सिलेबस में सबका डिस्कस कर लूंगा कोई इशू नहीं है ठीक है ना क्लियर है बेटर हो गया थोड़ा ठीक है तो याद रखिए ये है बच्चों आपका सिलेबस जिसमें आप देख सकते हो कि ये अदर सिलेबस है सारा और ये अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट पार्ट अगर पिक करूं कि अगर आप डीजल मैकेनिक तैयार कर रहे हैं तो कौन सा आपको तैयार करना ही करना है वैसे तो पूरा सिलेबस है लेकिन बात यह है कि हमको कितना चाहिए आप सबको पता है कि हमको चाहिए मिनिमम मार्क्स जो चाहिए हमको वो चाहिए हमें ट्वेंटी सिक्स प्लस बोलो या फिर मैं आपके दिमाग में ये फिगर नहीं रखना चाहता मैं चाहता हूं कि आप थर्टी प्लस सोच के चले कम से कम थर्टी प्लस जो है थर्टी फोर्टी मार्क्स हमें यहाँ पे लेना है फोर्टी मान के चलो थर्टी भी क्या बोल रहे हो चालीस मार्क्स लेना है ठीक है तो मैं तो यही कहूंगा सेफ साइड क्या है सेफ साइड ये है कि भले ही आपको क्वालिफाई करना है लेकिन आप फोर्टी प्लस जो है वो सेफ लेके चले ताकि आपका अगर मिस्टेक भी हो जाए गलत भी हो जाए तो वो आठ दस का विंडो आपके पास रहना चाहिए कि भैया गलत भी हो गया तो दस पंद्रह ही तो गलत हुआ कितना ही हुआ समझ रहे ना इस तरह का ये विंडो रहना चाहिए ठीक है ना तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करने ही करने चाहिए ठीक है देखिए, तो वैसे तो मैं यहां पे अगर इन एक्स्ट्रा टॉपिक्स में बोलूं तो हैंड एंड पावर टूल्स आपको करना ही करना है बच्चों इसलिए मेरा सेशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ठीक है ना यहीं से स्टार्ट हो रहा है मेरा सेशन ठीक दूसरा अगर मैं बात करूं तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट करना ही करना चाहिए और इसमें आपको नुकसान भी नहीं है बिकॉज ये आपको आने वाले और पेपरों में भी हेल्प करेगा सिस्टम और मेजरमेंट्स ठीक है ना ये दो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरा कटिंग टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको करना ही करना चाहिए ठीक है ना और ये आपके लिए आसान भी है समझना ठीक है अब कटिंग टूल्स के अलावा आप बेसिक इलेक्ट्रिकल चाहे तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये रेली में इतनी ज्यादा टफ नहीं है बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप पूछ सकते हैं या कर सकते हैं लॉज वगैरह या हल्का फुल्का बेसिक वही है ट्वेल्थ वाला जो इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ा है वही सेम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है अब यहां बचा इंजन में इंजन में तो मैं कहूंगा जितना कर ले उतना अच्छा है खासकर इंट्रोडक्शन टू तो इंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो मैं कहूंगा इंजन डीजल इंजन कंपोनेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना बाकी करना लुब्रिकेशन भी है कूलिंग भी है पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक दो तीन चार पांच छ मिनिमम ये सिक्स टॉपिक भी करके चलते हैं बच्चों तो काफी हद तक चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे काफी हद तक ठीक है ये मैं आपको पेपर सॉल्व करके भी दिखा दूंगा जब आप करेंगे ना मेरे साथ तो पेपर सॉल्व करके भी देख सकते हैं लेकिन तब तक आपको दो काम जरूर करना है बच्चों एक चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी सेशन ना छूटे ठीक है पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करना है शेड्यूल लग चुका है आपके सामने आठ बजे से स्टार्ट है आपकी क्लास ठीक है ज्यादा लेट इसलिए नहीं कर रहे ताकि क्लास लंबी भी चल पा अगर चलानी पड़े कभी वैसे जरूरत नहीं है चलानी पड़े क्योंकि देखो इसमें हमें समझदारी से चलना है मैंने आपको क्या बोला पहली चीज आपको ट्रेड अगर आप मैकेनिकल के हैं और ट्रेड आपने हीट इंजन डीजल मैकेनिक मुझसे लिए हैं तो आपको एक तो पहले किसी कोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है मतलब किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है तो मेरे हिसाब से क्योंकि इतना मैं आपको करा दूंगा कि आपका क्वालिफाई हो जाए पहली बात ठीक है ना दूसरी चीज़ तो आप तो पहले एक सीबीटी टी टू के कोर्स से बचे टेस्ट में हो। तो आपने दो काम जरूर करने हैं एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी से दूसरा किसी ने नहीं किया है तो कर लेना क्योंकि मैंने बताया था आपको एक दिन डेटा भी शेयर किया था कि मोर देन 50 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे ठीक है ना दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप यहां पे ऐप मेक इट इजी लाइव क्लासेस नाम की ऐप आप, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो उसको डाउनलोड जरूर कर लें बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना और यही मैसेज आप आईटीआई तक भी पहुंचा सकते हैं स्किल्स तक भी पहुंचा सकते हैं क्यों क्योंकि ये क्लास जो है वो आपकी दोनों जगह होनी है मतलब दोनों जगह जो है वो प्रोवाइड की जाएगी स्किल्स वाले चैनल में भी और यहां पे भी क्लियर है तो बस तैयार रहिए शेड्यूल लग चुका है प्लीज बच्चों उस शेड्यूल को अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिए ठीक है ना जो हमारा पहली क्लास का फर्स्ट क्लास का शेड्यूल है क्योंकि मैंने कहा ना आप मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं इस पूरे सेशन के दौरान कि लाइव आके ठीक है ना मैक्सिमम बच्चे लाइव आके दिखा सकते हैं हम लोग कि भाई अगर हम फ्री में भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों को कि क्वालिटी लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं ठीक है ना क्लियर है और आप ऐसा बिल्कुल मत मोचिएगा कि सब लोग पढ़ लेंगे फ़ायदा नहीं होगा भैया क्वालिफाई है ठीक है कॉम्पिटिटिव है ही नहीं है ना तो सब लोग पढ़ लेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है ठीक है क्वालिफाई करना है वो एग्जाम मेरिट तो उस पर बननी नहीं है तो मेरिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई ज्यादा कर लेगा कम कर लेगा क्वालिफाई सबने कैसे ना कैसे करके करना ही है ठीक है ना बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उस चीज को बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं ऐसा तो कोई है नहीं आज के डेट में जो बिल्कुल पड़ेगा नहीं क्लियर है तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए बेझिझक शेयर करिए बच्चों क्योंकि देखिए सीधा सीधा मैं बता दूं अगर आप शेयर करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा लोग हीट इंजन और खासकर ये वाले मैं तो कह रहा हूँ आर वाले भी कर सकते हैं वैसे तो इस क्लास को जो ये क्लासेस शुरुआत में चलने वाली है तो जितने ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उससे फायदा ये रहेगा कि जितने ज्यादा लाइव आएंगे ना उतना मेरा फ्री हैंड खुलता है फ्री हैंड मतलब चीजें फ्री कराने का जो है वो एरिया हमें मिलता रहता है उतनी हमें फ्लेक्सीबिलिटी मिल जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को फ्री कर सके आपके लिए क्लियर है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी ठीक है बाकी मैं लिंक जो है वो आपको शेयर कर दे रहा हूँ क्लास का प्लीज क्लास को अपने स्टेटस में लगाना इधर उधर ग्रुप में शेयर करना अभी से शुरू कर दीजिए उस टाइम पे फिर दिक्कत आएगी कि भैया चाहते तो हैं हम बच्चे आए लेकिन आते नहीं हैं ठीक है चीके? और वहीं से सारा मरोल और ज़्यादा टाइम इसमें खराब नहीं करेंगे मैक्सिमम आपका मार्च से क्लास स्टार्ट है तो मार्च और डेढ़ महीना मैक्सिमम डेढ़ महीने के अंदर जो है इसका सारा सिलेबस निपटा देंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा क्लास खींचना है इसका डेढ़ महीने के अंदर आपका सीबीटी टू का ट्रेड क्वालिफाई के नोट्स पूरे तैयार होंगे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद ऐप में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बस खत्म डन टेंशन ही नहीं लेना है मेन क्या है नोट्स बना के रख दिए कि भैया नोट बन गए ये प्रैक्टिस सेशन नोट्स बन गए एमसीक्यू का पता ये करके जाना है बस दोनों बना के अप्रैल से रख देना है पंद्रह अप्रैल तक वो रख दिया बस उसके बाद अपना सीबीटी वन करते रहो चाहे नॉन टेक की तैयारी जम के बस कोई टेंशन ही नहीं क्लियर है ठीक है और प्लीज़ बच्चों उससे भी बचिएगा ठीक है ना इसी तरह के छोटे मोटे कोर्सेज में कहीं फालतू फंस के भी बचेगा आपके लिए सब तरह में के कोर्सेज मेक इट ईजी में ही इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप लोग इजीली किसी भी कोर्स पे जाना चाहे तो जा सकते हैं बस मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करके कर रखिए मेड इजी लाइव क्लासेस को डाउनलोड करके कर रखिए ठीक है सिलेबस में मैंने दोबारा बता दिया आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो आपको यही ये, ये चीज़ें करनी है तो वो मैंने आपको बता दी मैं भी इसी प्रेफरेंस में पहले आपको यही सब चीज़ें कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे पहले आपके मार्क्स सेव हो जाए ठीक है ना तो पहले हम लोग क्या करेंगे हमारी भी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि पहले के क्लासेस के पहले पंद्रह दिन बीस दिन में पच्चीस दिन में हम लोग जो है वो अपने टाइम ए एम नहीं बैठे एट पी एम टाइमिंग जो क्लास की है वो एट पी एम है आप शेड्यूल देख सकते हैं टाइमिंग जो डली हुई है क्लास की वो एट पी एम डली हुई है बच्चों आठ बजे साए रात्रि ठीक है हीट इंजन का सिलेबस और आर भी मैं जल्दी डिस्कस करता हूं बच्चों तो बस आप ट्रेड की टेंशन यहां पे छोड़ दीजिए बच्चों आप सिर्फ अपने नॉन टेक पे ध्यान दीजिए ठीक है नतुल सर और मैम के इतने एनालिसिस वाले सेशन आ रहे हैं उनको यूटिलाइज करिए और उसके हिसाब से देखो ये बात नहीं है कि आपको बोलना है कि यार मैं वहां फेमस टीचर है, उससे पढ़ू ये फेमस टीचर है मैं बता रहा हूं आपको अगर आपको पेपर निकालना है ना है तो पढ़ना तो आपको ही है आपको सिर्फ एक बंदे और एक बंदी का हाथ चाहिए जो एक सही स्ट्रेटेजी में आपको लेके जाए ऐसा साथ चाहिए जो एक सही स्ट्रेटेजी एनालिसिस कर करके आपको चीजें बताते रहे उसके बाद आप एक सेल्फ प्रिपरेशन पर फोकस कर पाए क्लियर है ठीक है ना चलिए बच्चों तो मिलते हैं हम अगले सेशन में अगले सिलेबस डिस्कशन के साथ